प्यारे भक्तों, भक्ति और श्रद्धा में वो शक्ति होती है कि लगन से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लगे पुंडलीक ने राजाओं के राजा को भी जीत लिया। उनकी भक्ति व प्रेम देखकर ही तो श्री विट्ठल ने एक ईंट पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा की थी। और फिर सप्ताह के समापन पर कहते हैं कि शिरडी में ही दासगण को विट्ठल के दर्शन हुए। ऐसी थी बाबा के वचनों की सत्यता। एक बार काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें उनके दर्शन हुए होंगे। पर ध्यान रहे, यह विट्ठल बहुत चंचल हैं। उसे दृढ़ता से और बलपूर्वक एक जगह पकड़ लो। यदि तुमने थोड़ी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातः काल की घटना थी। और दोपहर के समय देखिए कि किस प्रकार उन्हें पुनः विट्ठल के दर्शन हुए। उसी दिन किसी अन्य गांव से कोई व्यक्ति शिरडी आया। उसके पास पंढरपुर के विठोबा के कई चित्र थे जिन्हें वह बेचने की इच्छा से अपने साथ लाया था। काका साहेब दीक्षित उन चित्रों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि विट्ठल के वे चित्र ठीक वैसे ही थे जैसे उन्हें सुबह ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर दीक्षित को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। दीक्षित ने बेचने वाले को चित्र का उचित मूल्य देकर सहर्ष एक चित्र खरीद लिया और बहुत भक्तिभाव के साथ अपने देवघर में पूजा के लिए प्रतिष्ठित कर दिया। अब एक अन्य अद्भुत कथा का श्रवण करें, जिसके श्रवण के बाद एक बार पुनः यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री विट्ठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी। भगवंत राव क्षीरसागर के पिता विट्ठल के परम भक्त थे और वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते थे। उनके घर के पूजा कक्ष में विट्ठल की एक मूर्ति थी जिसकी वे प्रतिदिन पूजा करते थे। परंतु पिता की मृत्यु के पश्चात भगवंत राव ने पूजा नैवेद्य आदि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि पुरखों के श्राद्ध आदि जैसे वार्षिक रीति रिवाजों को भी करना भूल गए। प्रतिवर्ष पंढरपुर को वारी लेकर जाने के विषय में तो एक शब्द भी नहीं बोला जाता था। जब भगवंत राव शिरडी आए तो बाबा उनके पिता को याद कर बोले, इनके पिता मेरे परम मित्र थे, क्योंकि ये भगवंत राव उन मित्र के पुत्र हैं, इसलिए मैं इन्हें खींच कर शिरडी ले आया हूँ। अब ये ईश्वर को नैवेद्य अर्पण नहीं करते, ये तो मुझे भी भूखा ही रखते हैं। इन्होंने तो विट्ठल को भी भूखा मारा है, इसलिए मैं इन्हें शिरडी ले आया हूँ। अब मैं इन्हें सब कुछ याद कराकर इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। एक बार पर्व काल के शुभ अवसर पर दासगण भी प्रयाग में स्नान करने की इच्छा से बाबा के पास उनकी आज्ञा लेने के लिए आए। बाबा ने कहा कि इसके लिए इतनी दूर व्यर्थ भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, शिरडी ही तुम्हारा प्रयाग है, हृदय में ऐसा दृढ़ विश्वास करो। और सचमुच आश्चर्य, महान आश्चर्य, जैसे ही दासगण ने अपने हाथ बाबा के चरणों पर रखे, उनके दोनों ही श्री चरणों से बूंद बूंद करके जल बहने लगा। बाबा के श्री चरणों से निकलने वाली जल की बूंदें
पतित पावनी गंगा और यमुना के संगम की पवित्र जलधारा की प्रतीक थी। यह चमत्कार देखकर दासगणु भाव विभोर हो गए। वो उनका प्रेम और उनकी भक्ति उमड़ पड़ी। बाबा की कृपा कितनी महान है, यह सोचकर उनकी आंखों से खुशी और कृतज्ञता की अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतः स्फूर्ति हुई। वो उनके मुख से श्री साईं बाबा की अद्भुत विशेषताओं, शक्तियों और अगाध लीलाओं का पद्यात्मक गीत स्वतः प्रस्फुटित होने लगे।